अश्विन मैच खत्म होने के बाद भी देर रात बैटिंग प्रैक्टिस करते आए नजर। नमस्कार, मैं रिया गुप्ता और आप देख रहे हैं फैक्ट इंडिया स्पोर्ट्स। आर अश्विन ने लंबे समय बाद ओडीआई क्रिकेट में वापसी की। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मोहाली में हुए पहले वनडे में अपने 10 ओवर्स के स्पेल में 47 रन दिए और मैरिनर्स के रूप में एक विकेट भी चटकाया। अभी यह उम्मीद खत्म नहीं हुई कि अश्विन को वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल किया जा सकता है। वैसे वर्ल्ड कप के लिए बीसीसीआई ने टीम का ऐलान कर दिया है, लेकिन अभी 28 सितंबर तक बदलाव भी किए जा सकते हैं। अक्षर पटेल के चोटिल होने के बाद अश्विन की उम्मीद जगी है कि वह भी स्क्वाड में आ सकते हैं। पहले मैच के समाप्ति के बाद अश्विन देर रात तक ग्राउंड पर रहे और अभ्यास करते नजर आए। अश्विन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में अच्छी गेंदबाजी की। बेशक उन्हें सिर्फ एक विकेट मिला, लेकिन वह 10 ओवर्स के स्पेल में याफ्ती रहे। गेंदबाजी में अपनी लय दिखाने के बाद वह बल्लेबाजी अभ्यास करते नजर आए। ऐसा कम देखा जाता है कि मैच खत्म होने के बाद कोई प्लेयर नेट पर या ग्राउंड पर अभ्यास करे, लेकिन अश्विन शुक्रवार रात को ऐसा करते नजर आए। अश्विन ने नेट पर काफी समय बिताया और बल्लेबाजी का अभ्यास किया। अश्विन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में मौका मिलने पर खुशी जाहिर की थी। बीसीसीआई द्वारा जारी वीडियो में उन्होंने कहा, यह मेरे लिए बहुत बड़ा मौका है। मैंने पिछले 3-4 वर्षों में हमेशा कहा है कि बात यह नहीं है कि मैंने इन अपॉर्चुनिटीज में हासिल नहीं किया। मैं बस अपने खेल का मजा लेना चाहता हूँ, खुद को सर्वश्रेष्ठ मौका देना चाहता हूँ। जब मैं वेस्ट इंडीज गया तो मैंने ब्रेक लिया, कुछ क्लब गेम्स खेले। प्रबंधन में मुझसे कहा कि जब भी मौका मिले तैयार रहना। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे मैच रविवार 24 सितंबर को इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। केएल राहुल की कैप्टनसी में टीम इंडिया इस मैच को जीतकर सीरीज में अजय भड़त बनाना चाहेगी, तो वहीं मेहमान टीम के लिए ये मैच करो या मरो वाला है। इसमें आपकी क्या राय में कमेंट करके जरूर दीजिए। बने रहे हमारे चैनल फैक्ट इंडिया स्पोर्ट्स।